हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 11। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एनपी से, माइनस वेरियंस को एनपी क्यू से। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1। तो यहां से अगर हम एक रिलेशन बनाए तो np तो हमें मिल जाएगा कॉमन, 1 माइनस क्यू इक्वल टू दे रखा है 1, ठीक है। और इसके बाद इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी कि np स्क्वायर कर दें माइनस np क्यू का स्क्वायर कर दें, तो ये हमें दे रखा है 11। यहां से अगर हम n स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 माइनस क्यू स्क्वायर, और इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 11, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और तब सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू में कितना आएगा, 11 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। तो देखिए एन स्क्वायर पी स्क्वायर से एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 1 माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 11 अपॉन 1। अब देखिए 1 माइनस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर है इक्वल टू में 11 अपॉन 1 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस क्यू, नीचे आएगा 1 माइनस क्यू इक्वल टू 11 अपॉन 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू इक्वल टू 11 माइनस 11 क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 क्यू इक्वल टू 10, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 12, 10 अपॉन 12 का मतलब आ जाएगा 5 अपॉन 6, तो ये आ जाएगी क्यू की वैल्यू। यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो वो कितनी होती है, 1 माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा 1 बाई 6। तो p की वैल्यू आ रही है 1 बाई 6, q की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 6। अब अगर हम यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, n p की वैल्यू कितनी, 1 बाई 6 इंटू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 5 बाई 6, यानी कि यहां पर भी आ जाएगा 1 बाई 6 इक्वल टू में कितना, 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, ठीक है। तो P, Q, N इन सब की वैल्यू आ गई है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा P प्लस Q टू दी होल पार N, यानी कि 5 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 टू दी होल पार 36, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, A में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।